नमस्ते दोस्तों, मैं गोवा में रहती हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन से ब्लॉग्स नहीं बन रहे थे इसलिए सॉरी। आज हम लोग जाने वाले हैं मेले में घूमने के लिए। मुझे बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मैंने अपने पूरे बाल को काट डाला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे बाल थे कितने छोटे हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे पागल हो चुके, लेकिन मैंने एकदम वुल्फ कट किया है। मैं उसका फ़ोटो भी डाल दूँगी, आप देख लेना। और आप और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेड और मैंने ब्लैक पहना है और मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगाया है। और देखिए मौसम कितना सुहाना है। शाम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं, देख सकते हैं। और बगल वाले रूम के भी आदमी आ चुके हैं और मुझे हम लोग गांव जाने वाले हैं फिर से। आप लोग सोच रहे फिर से क्यों जाएंगे? हाँ, स्कूल के वैकेशन जो स्टार्ट हो गए, शादी है, शादी में तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और मैं सिंपल सा मेकअप लगाया, बस फाउंडेशन थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा वाइट टोन का पाउडर लगाया। आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं वाइट टोन के बदले। सनस्क्रीन एकदम लैक्मे का सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो मैंने आज ही लिया है। पार्सल आया था और हमने ना स्ट्रेट करने वाला, मतलब बालों को स्ट्रेट करने वाला भी हमने लिया है। और मैं अपनी सोची कि मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, पर मैंने सोचा कि मार्केट में इतने लोग होते हैं, लिपस्टिक लगाने का क्या फ़ायदा। और मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा लुक है, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा मेरे। और मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, अब मुझे लेना है तारा चावी और निकलते हैं अपनी सब तरफ की ओर। घर में ये है हमारा घर। आप लोग सोच रहे हैं कितना छोटा सा घर है, ऐसा नहीं है, हमारा न्यू घर बन रहा है इसलिए हम लोग अभी इस रूम में रहते हैं। इसीलिए तो मैं पहनने निकालने लगी हूँ अपना चप्पल। मैं सैंडल पहन के जाऊँगी, जो मेरे पास ब्लैक कलर का सैंडल है तो मैं वही पहनूँगी। और बगल वाली भी आंटी आ गई है। बगल वाली आंटी अपनी हमसे बात नहीं करती है, पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग वो बड़ी स्मार्ट बनती है हम लोगों से। ऐसा नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचती, मत सोचो दूसरे के बारे में। और एक हमारे साथ एक और आंटी आ रही जो हमारे साथ हमेशा गाँव जाती है, मेरी मम्मी की दोस्त है। और मुझे ये पेंट बहुत ही ढीला रहा था। और आपको मेरा आज का आउटफिट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आँखों में आजकल ना बहुत दुखता है मेरा आँख, तो ये देखिए मेरे पीछे से बाल देखे, मेरे बाल कितना छोटा हो गया। पहले मैंने ताला चाबी लगा दिया, मुझे याद ही नहीं था। उसके बाद मुझे याद आया ताला चाबी लगाना, तो मैं भूल ही गई, जल्दी जल्दी भागी और मैंने ताला चाबी निकाल दिया। और मुझे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, सिंपल वाला वीडियो शूट करूँगी जो भी गाना ट्रेंड में चल रहा है। ये मिनी हम भी सोए हैं, ये आंटी आ चुकी है, हम लोग चल रहे हैं चलने पार्क। हम बगल में ही लगा है, हमारे ग्राउंड के पीछे लगा है, तो देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है। ये उनका बेटा है जो बहुत बदमाशी करता रहता है, पता नहीं क्यों कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा बदमाशी करता रहता है। ऐसा नहीं है सब लोग बदमाशी करते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही करता है। और ये जो बिल्डिंग आपने अभी देखा, मैं ये बिल्डिंग ना बहुत ही मतलब पुराना है, मानने की जैसे हॉन्टेड है ऐसा नहीं है। ये बिल्डिंग बनने वाला है एक मॉल की तरह, और मॉल में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब शॉप्स हैं, अभी मतलब वोट चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा रात होने से पहले हो जाता है। तो हम मेले के अंदर घुस गए हैं। आप लोग सोच रहे हैं ये कैसा, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता बगल में ही है, वो आपको दिख रहा है ज्वेलरीज की शॉप, ईयरिंग्स। मुझे ईयरिंग्स मेरे पास नहीं थे तो मैं सोच के मैं ईयरिंग्स ले लूँगी। और यहाँ ग्लासेस का भी शॉप खुल गया है, नहीं खुला है। और देखिए मेले के एंटायर करते हुए पहले हमें दिखा ये कपड़े का शॉप, उसके बाद हमें क्लिप्स का शॉप दिखा, बहुत सारे आइटम हम तो पाए। यहाँ पे देखिए डॉल कितनी प्यारी प्यारी हैं। और यहाँ पे कैप्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए कैप्स हैं। ये आदमी बैठा है, फ़ोन देख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो, ये कपड़े का शॉप बॉयज़ का कपड़े का शॉप है, ऐसा नहीं है, सारी लड़कियों का भी होता है पर ये ज़्यादा बॉयज़ का। यहाँ पे सारे खिलौने हैं, मैं तो पागल ही हो चुकी हूँ, मैं कौन सा आइटम लूँ। तो मुझे यहाँ पे ये शॉप में देखिए कितने सारे हेयर बैंड्स हैं। और यहाँ इस शॉप में तो स्टिकर से भरा हुआ है, ये तो पॉट फ्लावर का है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर भी ये पॉट देखिए, यहाँ पे टेडी बियर्स हैं सारे। और यहाँ पे भी खिलौने का शॉप है। और यहाँ पे 100 रुपये में आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, 100 रुपये में 3 आइटम ले सकते हो। तो मेरी मम्मी कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा आइटम ले, हम सोचे कि उधर से दूसरी तरफ से आएंगे फिर हम ले लेंगे।
और आगे आगे चल चल के हमें इतना सारा शॉप दिखा। ये देखिए इयरिंग के शॉप में हम घुस गए थे। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। आपको कौन सा इयरिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कौन सा अच्छा लगा इयरिंग्स? मुझे तो सारा ही अच्छा लग रहा है। मुझे पिंक वाला ना बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं वही ले लेती हूँ, तो हमने वो इयरिंग ले लिया है। और ये इयरिंग्स फ्रूट वाली हैं, बहुत ही अच्छा लग रहे थे देखने में। और ये बड़ा इयरिंग देखिए कितना बड़ा है। मम्मी को तो ये सिंपल वाला इयरिंग बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी आंटी थे उसे ना लॉन्ग लॉन्ग इयरिंग्स पहनना बहुत ही पसंद है। तो अगर आपको भी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आज गए थे फ्रॉक कपड़ा लेने के लिए, कॉटन, प्योर कॉटन। अगर आपको भी चाहिए तो आप मीशो पे भी ले सकते हैं। मुझे मार्केट में मेरी दोस्त मिल गई तो मैं उससे बात करने चली लगी। और यहाँ पे टी शर्ट के सारे हैं, तो मम्मी को ना एक दो टी शर्ट पसंद है तो मम्मी ने वो टी शर्ट ले लिया है। और यहाँ पे ये देखिए 100 रुपये में जो आइटम चाहिए आपको ले सकते हैं। हम थोड़े अंदर घुस गए थे, मैं पर्स का शॉप दिखा और मम्मी लेने लगी सूट के शॉप में घुस गई मम्मी, क्योंकि मम्मी को सूट्स वगैरह अनारकली ये सब बहुत पसंद है। मुझे भी अनारकली पसंद है और मुझे अनारकली में लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ऑरेंज वाला कैसा लग रहा है, ब्लैक वाला, बहुत सारे कलर्स हैं। देखिए पूरा हॉल था, उतना बड़ा भी नहीं हॉल था। तो हम लोग बगल में ही अंगूठी का शॉप था, देख सकते कितने प्यारे प्यारे। मैं तो कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज़ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। मम्मी को तो गोल्डन वाला ही अच्छा लग रहा था, मुझे पर डायमंड वाला अच्छा लग रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ। तो मम्मी बहुत सारा ले रही थी, मम्मी को पसंद ये आ रहा था, वो आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा ले। तो बाद में मुझे ना एक दिखा पर वो मेरे साइज़ का ही नहीं था। तो हम आ गए क्लिप्स के शॉप पे, देखिए एकदम एस्थेटिक क्लिप कोरियन लग रहा है ना। तो मैंने एक दो क्लिप ले लिया, बटरफ्लाई वाला भी लिया, एकदम एस्थेटिक लग रहा था। और ये देखिए टेडी बियर का हॉल, और देखिए वो जो आप ये देखिए डोरेमोन का पर्स, स्क्रंचीज, क्लिप्स, हेयर बैंड्स। और सबसे फेवरेट शॉप मम्मी का ये था, नेल पेंट्स था, मेकअप था, लिप बम्स था, कोरियन लिप बम्स था, सारे आइटम थे। बीटीएस किचन, ब्लैक पिंक किचन, ब्लैक पिंक स्टिकर्स, मोमोलैंड स्टिकर्स, TXT स्टिकर्स, सारे आइटम थे। हेयर बैंड्स कितने केयर, यहाँ पे टॉय वगैरह हैं। यहाँ पे मुझे ना स्किपिंग वाला बेल्ट मिला, मैंने वो भी उठा लिया। आप लोग सोच रहे कितना सामान है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा सस्ता सस्ता में सामान ढूंढ के लेते हैं। और ये मोगी जो औरत थी ना बहुत बदतेजमी थी, उसको बात करने का ढंग नहीं था। तो मुझे लग गई थी भूख और मैं चली गई पेट ठूसने। यहाँ पे मिर्ची का ढेरा देखे कितना सारा, मिर्ची, लहसुन। यहाँ पे अब जाएंगे तो साल में एक ही बार ये मेला लगता है, वो भी बड़ा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स थे और हम लोग अब चल रहे थे अपने घर। आप लोग सोच रहे होंगे उतना घूम घाम के घर जा रही है, घर का रास्ता है तो हम लोग उधर ही अब जा रहे हैं। अब हमने सोचा कि आप उतना ही शॉपिंग करेंगे। तो ये हमने खाया मंचूरियन और पानी भी हमने लिया। तो आपको ये ब्लॉग्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साल में एक ही बार मेला लगता है, तो अगर आपको ये मेला का ब्लॉग अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही रही आज की ब्लॉग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना जो मेरे ब्लॉग्स पे हैं। बाय।